हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी रिज़ल्ट के बारे में। बिहार एसटीईटी का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और जो कुछ निष्कर्ष है, जो आउटकम है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट का देखने के बाद, उसको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेनली जो इसमें जो बातें होंगी वो सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में पर्टिकुलरली बात होगी, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी कोशिश करेंगे कि उन पर भी थोड़ा बात किया जाए। सबसे पहले आज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 37,000 कुछ सीट था, और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 24,000 कुछ है। अब ऐसा दो ही कंडीशन में मुमकिन है कि जितना सीट है उतना कैंडिडेट भी क्वालिफाई ना करे, ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि कैंडिडेट ही अवेलेबल ना हो, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर था उस स्कोर तक ही कैंडिडेट ना पहुँच पाया हो। ये 24,000 लोग ही होंगे, वो 2-2.5 लाख लोगों में से, जो कि क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंचे और इन सभी का लिस्ट में नाम है। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि सरकार ने जानबूझ के कुछ दिमाग लगाया और 37,000 रिज़ल्ट देना था और 24,000 दिया। अब सच्चाई पता नहीं है, आगे आने वाले टाइम में जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या बिहार बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए या मीडिया की तरफ से कोई खबर आए, तभी पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि 37 की बजाय 24 कैसे हो गया है। चलिए, एक अलग पहलू है। अब हम लोग चलते हैं जो कट ऑफ की बातें और सब्जेक्ट वाइज जो है वन बाय वन सब की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस से। जितने भी लोगों से अभी तक बात हुआ है उस बेसिस पर मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूं, क्योंकि आप 3-4-5-10 लोगों के मार्क्स देख करके एक पुख्ता आउटकम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझे लगता है वो मैं बोलने जा रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मुझे लगता है कई लोगों के मार्क्स देखने के बाद, ऐसा लगता है कि 18 वालों का कंप्यूटर साइंस में जिस दिन सबसे आसान क्वेश्चन आया था, उन लोगों के मार्क्स को घटाया गया है। इस बात में 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि उनका मार्क्स 18 के दिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 18 वाले शिफ्ट में जो थे, उनका जो मार्क्स आ रहा था उतना भी नहीं आया, उससे घटा करके आया है। जो 21 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 2-3 नंबर का फ़ायदा है और बाकी शिफ्ट के बारे में अभी क्लियर नहीं है। जो शाम वाला शिफ्ट है, 21 का थर्ड शिफ्ट है, वहाँ पर भी ज़्यादा कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर इवन कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें मार्क्स घट गया है। और जो 21 का सेकेंड शिफ्ट है, जहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था, वहाँ पर से भी अभी कोई पुख्ता खबर निकल के नहीं आया है कि उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ। लेकिन 21 मॉर्निंग वालों को 2-3 नंबर का फ़ायदा और 18 वालों को कुछ मार्क्स का नुकसान, और 21 शाम वाला जो शिफ्ट था, 21 का थर्ड शिफ्ट, उसमें कुछ मिक्स सा रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे 2-3 नंबर बढ़ा, कुछ कह रहे 2-3 नंबर घटा, इस तरह की बात है। तो ये तो हो गई कंप्यूटर साइंस की बात। कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली कितने लोग क्वालिफाई किए, हालांकि ये खबर चल रही है कि 1673 सीट था पर 1500 लोगों का ही रिजल्ट आया है, पर इसको पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता, इसको वेरीफाई अभी नहीं किया जा सकता है। अभी इसके बारे में और फिर आगे जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी और क्लैरिटी टाइम के साथ होता जाएगा, शेयर करते जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर 1, जिस पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे एग्ज़ाम मैनेज करने को कहा जाए तो 14 वालों को डेफिनेटली एडवांटेज मिला और 10-11 वाले फंसे, अनफॉर्चुनेटली फंसे। कोर्ट केस हुआ, सारा कुछ हुआ, काफ़ी लोगों को पता इस बारे में। तो मेरे हिसाब से 10-11 वाले शिफ्ट में जिन लोगों ने अगर 50 नंबर भी लाया था, क्योंकि जो उनका जो 50 नंबर का जो सेक्शन था 150 नंबर में से, वो आसान ही था, तो वहाँ से अगर 40 नंबर ले आए और तुक्का लगा के भी 15-20 नंबर ले आए, तो मेरे ख्याल में 50-60 नंबर आ सकता था। वो 10-11 का भी ऐसा शिफ्ट था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग 50-60 नंबर तक लाते हैं 10 तारीख या 11 तारीख को, उनको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनके मार्क्स को बढ़ा करके उनको क्वालिफाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए था। पर अभी तक 4-5 लोगों का जो रिस्पॉन्स है, सिर्फ 4-5 से बात करके मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों से बात नहीं हुई, सिर्फ 4-5 कैंडिडेट के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता नहीं है कि 10-11 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन मैथ के केस में थोड़ा मामला गड़बड़ करता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो बातें हैं वो यही है कि 10-11 वालों को फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आगे
और जब ज़्यादा लोगों से रابطہ होगा और जब ज़्यादा लोगों से बात होगी तो फिर इसके बारे में और क्लियरली बताएंगे। पर प्राइमरली जो चार पांच लोगों ने कांटेक्ट किया, जिनको मैंने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने यही कहा कि 10-11 वाले शिफ्ट में उनका मार्क्स नहीं बढ़ा। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उनका मार्क्स उल्टा घट गया है 10-11 वाले शिफ्ट में। ये हो गई मैथ की बात। अब हम चलते हैं सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ शिफ्ट सबसे ज़्यादा, पर यहाँ पर जो रिजल्ट जिस तरह का आया है अभी तक सोशल साइंस में, बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 15-20 ही होंगे जिन लोगों से रابطہ हुआ है। तो अभी और टाइम के साथ और लोगों से रابطہ होगा तो और अच्छी तरह बता पाएंगे, पर वहाँ पर सब कुछ स्मूथली जाता हुआ दिख रहा है। मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका 110 नंबर आएगा, उनका 110 नंबर आया है। बहुत बड़ा कोई उलटफेर होता हुआ सोशल साइंस में नहीं दिखता है। तो अभी तक के लिए यही सारा अपडेट था। बाकी और जो भाषा के सब्जेक्ट हैं और दूसरे सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी आगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे देखेंगे, वीडियोस क्रिएट करेंगे। पर इन तीनों सब्जेक्ट के लिए जो कि मेन सब्जेक्ट थे, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, उसके बारे में मैंने अभी तक जो कुछ पाया उसको मैंने शेयर किया। आगे इसी तरह से अगर STET के बारे में कोई खबर आई, कोई अपडेट आया तो आपको अपडेट करेंगे। अभी वेबसाइट पर जिन लोगों ने शुरुआत, मैंने पहले भी वीडियो बना करके आज 2:30 बजे ही बात कह दिया था कि एडमिट कार्ड के टाइम पर वेबसाइट डाउन हुआ, आंसर की के टाइम पर डाउन हुआ और आज रिजल्ट के टाइम पर भी डाउन होगा। और वही काम हुआ, देखिए वेबसाइट डाउन है। जिन लोगों ने शुरुआत में रिजल्ट देख लिया वो लोग रह गए, जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है वो एक काम कर सकते हैं कि वो अपने शिफ्ट से पता कर सकते हैं। अगर आपके शिफ्ट का कैंडिडेट आपके जैसा मार्क्स लाने पर क्वालिफाई हो रहा है तो आप भी अपने आप को क्वालिफाई ही समझें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कई शिफ्ट वालों को फायदा हुआ है और कई लोगों को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। जो फायदा हुआ भी है जिस शिफ्ट में, उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन नुकसान कुछ शिफ्ट में 8-10 नंबर का भी दिख रहा है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आप अपने शिफ्ट वाले से पता कीजिए अगर आप अभी तक अपना मार्क्स नहीं देख पाए हैं, और लगातार कोशिश करते रहें। जल्दी ही हो सकता है कि फिर से लिंक जो है वो एक्टिव हो जाए और लोग अपना मार्क्स देख पाए जो लोग नहीं देख पाए हैं, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों ने ही मार्क्स देखा है। जितना कैंडिडेट है उसमें से शायद 20-25% लोगों ने ही अभी तक अपना स्कोर देखा है, क्योंकि सब तक ये अवेयरनेस नहीं थी, सबको जानकारी नहीं थी 4 बजे रिजल्ट के बारे में। तो खैर अभी के लिए यही, जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो कुछ मैंने पाया उसको मैंने शेयर किया। आगे इसी तरह से STET के बारे में कोई भी खबर आई, कोई भी अपडेट आए तो आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, आपका जो एक्सपीरियंस हो। ये तो मैंने वो बातें कहीं जो मैंने पाया, हो सकता है आपने इससे अलग कुछ पाया हो या आपने कुछ अलग इससे देखा हो, रिजल्ट में कुछ अलग ऑब्जर्व किया हो, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।